लोग गैलरी में बैठते हैं, हर एक रो में सिक्योरिटी उनकी रहती है, उनमें वहाँ दो सिक्योरिटी एजेंट्स पहले से बैठे हुए थे। अगर आप पैर टेढ़ा भी करो तो भी वो लोग बोलते हैं कि आप पैर ऐसे नहीं रख सकते। तो इतना टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी किसी को भी समझ में नहीं आया। संसद तो चल रही थी, एकदम से उसमें कूदी मारने के बाद ऊपर गैलरी में तो कुछ समझ में नहीं आया। पहले लगा कोई गिर गया, अचानक से पहले कोई गिर गया ऐसे लगने लगा, लेकिन फिर उसके बाद वो जैसे भागने लगा बेंचेस के ऊपर, तो समझ में आ गया कि कुछ तो मन में दे के आया। दो लोग थे, दूसरा वाला ऊपर गैलरी में ही था। फिर वो ये 30 सेकंड में घटी है घटना, पहले वाले की कूदी के बाद वो दूसरा जो था गैलरी में रेलिंग है, रेलिंग से लटक गया, ऊपर से उसने कूदी मारने की कोशिश की, डर के मारे शायद थोड़ा लटक गया और फिर उसने कूदी मारी अंदर, वो दूसरा भी अंदर चला गया। सिक्योरिटी के कितने लोग वहाँ मौजूद थे? सिक्योरिटी बाहर भी थी और हर एक गैलरी में, जिस गैलरी में हम लोग थे, मतलब जहाँ 4 नंबर जो गैलरी थी वहाँ पे 2 सिक्योरिटी अंदर थी जो रोज को इवैक्यूएट कर रही थी। जैसे उनको लगा कि इवैक्यूएशन शुरू हो गया, मतलब उनको भी बाहर निकाला जाएगा, तो उन्होंने रिएक्ट किया। तो इवैक्यूएशन पहले उसके पीछे, मैं सांसद धैर्यशील माने हातकणंगले लोकसभा महाराष्ट्र से, और मेरे साथी कुछ सांसदीय प्रोसीडिंग देखने आए थे, उनके साथ मैं एस्कॉर्ट कर रहा हूं। आप जानते हो 25 मिनट्स का वो टाइम का रहता है जहां लोगों को अंदर की बाइक आता है, लेकिन उसी टाइम एक बंदे ने अचानक से कूदी मार दी और वो बेंचेस के ऊपर से भागने लगा। आप उसको जानते हैं? कोई पता नहीं, आगे वो ऐसे बैठे हुआ बंदा था, उसके एक्शंस भी कुछ नहीं थे, क्योंकि आप जानते हो पार्लियामेंट में गैलरी में किसी को पेन भी नहीं ले जाते, या फिर आपके पास पॉइंट्स हो वो भी निकाल देते हैं। लेकिन वो भागने लगा और पहले उसने शूज निकाला नीचे, जैसे वो बेंचेस पे भागने लगा उसने शूज निकाला। शूज हमको पहले लगा किसी को मारने के लिए निकाल रहा है या फिर उसको एग्रेशन दिखाना इसलिए निकाल रहा है, लेकिन उसके शूज में वो कुछ को छुपा के लेके आया था जो उसने ब्रेक किया, जिसका स्मेल उसका गंदा था, जैसे पटाखे फोड़ने के बाद जैसे स्मेल आता है वैसी एक ऑर्डर तैयार होने लगी और सारा पीला पीला हो गया। सांसदों ने उसको वहां पे नीचे दबोच लिया था, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी उसमें शामिल हो गई, और दूसरा वाला जो 15 फीट या 16 फीट की अंतर रहेगी गैलरी और नीचे इसमें सदन में, तो सदन में कूदने वाले का दूसरा वाला था वो लटका हुआ था, पहले वो गैलरी से लटका हुआ था, फिर उसने वो वहाँ पे कूदी मारी और दोनों बंदों को फिर पार्लियामेंट के पहले सांसदों ने पकड़ा और उसके बाद सिक्योरिटी के हाथ में दी। ओके ओके।